अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा में मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 600 से तजावज कर गई। सबसे ज़्यादा केसेस क्यूबेक में रिपोर्ट हुए। ओंटेरियो में 230 केसेस रिपोर्ट हुए। टोरंटो के लिए एक बार फिर गर्म मौसम की वार्निंग जारी। वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान। दर्ज हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। कैनेडियन कंजर्वेटिव पार्टी का अफगान महाजरीन को शहरियत देने के प्रोग्राम की बहाली का मुतालबा। कंजर्वेटिव रहनुमा का कहना है कि कैनेडियन हुकूमत अफगानों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। कैनेडियन हुकाम का रवैया मायूसकुन है। मौसम सरमा के आगाज़ से कबल ही रूस ने 27 ममालिक को मुश्किल में डाल दिया। रूस पहले ही मौसम सरमा के दौरान यूरोप के लिए गैस की फराहमी कम कर चुका है। गैस की सप्लाई कम होने से यूरोप बुरी तरह मुतासर होगा। फेसबुक ने तालिबान हुकूमत के दो मीडिया ग्रुप्स के अकाउंट्स बंद कर दिए। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि अमरीकी कंपनी ने अकाउंट्स बंद करके अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया। आज़ादी इजहार का नारा दूसरी अकवाम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com. Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने बुध तक मुल्क में मंकी पॉक्स के कुल 604 केसेस की तस्दीक की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने बुध तक मुल्क में मंकी पॉक्स के कुल 604 केसेस की तस्दीक की है। केसेस में क्यूबेक से 320, ऑन्टेरियो से 230, ब्रिटिश कोलंबिया से 40, अल्बर्टा से 12 और सैस्कीचुआन से 2 शामिल हैं। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने बुध को कहा कि वो मंकी पॉक्स से निमटने के लिए कम्युनिटी पर मबनी तंजीमों की मदद के लिए फंड फराहम करेगी। PHAC के मुताबिक सूबे और इलाके अपने दायरा इख्तियार में केस के डेटा का जायजा ले रहे हैं और जो लोग केस की तारीफ पर पूरा उतरते हैं उन्हें कौमी तहकीकात में शामिल करने के लिए PHAC को रिपोर्ट किया जाएगा। नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी इस वायरस की तशखीसी जांच कर रही है जिसे मंकी पॉक्स होता है। PHAC ने कहा कि इसके अलावा लेबोरेटरी मुकम्मल जीनोम की तरतीब, एक बेहतर फिंगरप्रिंट तजिया मंकी पॉक्स के कनाडा के नमूनों पर कर रही है। मंकी पॉक्स एक सिलोटिक जोनोसिस है जो इंसानों में इन्फेक्शन का सबब बन सकता है और ये बीमारी आमतौर पर वस्ती और मगरबी अफ्रीका के जंगलाती हिस्सों में होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है जिसका ताल्लुक ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से है। एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो में गर्म मरतूब हफ्ते के बाद जुम्मे और हफ्ते के लिए गर्मी की वार्निंग जारी कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा टोरंटो में गर्म मरतूब हफ्ते के बाद जुमे और हफ्ते के लिए गर्मी की वार्निंग जारी करता है। मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि जुमे और हफ्ते को दर्जा हरारत कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है जबकि मरतूब मौसम ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की तवक्को है। एजेंसी की पेशेंट गोई के मुताबिक रात भर का दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा
जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि इस बात का इम्कान है कि गर्मी का सिलसिला इतवार तक फैल सकता है। इस किस्म के मौसमी हालात के साथ मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया है कि एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स मुमकिन तौर पर ज्यादा खतरे के जमरे में जा सकता है। एनवायरमेंट कनाडा तजवीज़ करता है कि लोग गर्मी की बीमारी के असरात सूजन, धप्पे, दर्द, बेहोशी, गर्मी की थकन, हीट स्ट्रोक जैसी अलामत पर नज़र रखें। लोगों को खानदान के बूढ़े अफराद, दोस्तों और पड़ोसियों की जांच करनी चाहिए। लोगों, बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी खड़ी गाड़ी के अंदर ना छोड़ें। आउटडोर वर्कर्स को ठंडी जगह पर बाकायदगी से मुकर्ररा वक्फा लेना चाहिए। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी और अफगान महाजरीन की वकला वफाकी हुकूमत से खसूसी इमिग्रेशन प्रोग्राम को वसत देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी और अफगान महाजरीन के वकला वफाकी हुकूमत से खसूसी इमिग्रेशन प्रोग्राम को वसत देने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका मकसद अफगान मुसल्ह अफवाज या कैनेडियन हुकूमत के साबिक मुलाजमीन और उनके खानदानों को तरजीह देना है। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने कहा कि वो अब नए हवाला जात नहीं ले रही है और इस प्रोग्राम के लिए 18,000 दरख्वास्तों में से आखिरी पर कार्रवाई करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कदामत पसंद इमिग्रेशन के नक़ाद जसराज सिंह भालन ने प्रोग्राम को मजीद दरख्वास्तों के लिए खुला ना रखने पर हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुतादे दरख्वास्त दहिंदगान जिनके साथ उनका दफ्तर राब्ता कर रहा है, उन्हें इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप कनाडा से जवाब मौसूल होना बाकी है। हॉलन ने कहा कि ताखीर मुश्किलात का बाइस बन रही है और अगवानों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। हॉलन के साथ कई पनाह गुजीनों के वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, जिन्होंने उनकी इस दलील की बाज गश्त की कि हुकूमत को प्रोग्राम में तौसी करनी चाहिए। उनमें से एक वकील सईद शुजान थे, जो काबुल में कनाडा के सिफारत खाने के साथ काम करते थे। शुजान पिछले साल तालिबान से फरार हो गया था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में उनके मुतादद साथी जिन्होंने खसूसी प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी थी, हुकूमत की तरफ से कभी कोई जवाब न मिला। बावजूद इसके कि उनके पास ये सबूत है कि उन्होंने सिफारत खाने के साथ काम किया था, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये आसान अमल नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, लेकिन एक ही वक्त में मैं जो देख रहा हूँ और जिस पर मैं मायूस हूँ वो ये है कि हमें अपने साथियों के लिए कोई जवाब नहीं मिला। रवा साल फरवरी में रूस यूक्रेन जंग के बाद सर उठाने वाले बहरानों में से एक तवानाई का भी है, जिससे यूरोप खास तौर पर मुतासर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मौसम सरमा के आगाज से कबल ही रूस ने 27 ममालिक को मुश्किल में डाल दिया है। रवां साल फरवरी में रूस यूक्रेन पर जंग के बाद सर उठाने वाले बहरानों में से एक तवानाई का भी है, जिससे यूरोप खास तौर पर मुतासर है, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि इसे कुदरती गैस रूस से लेना पड़ती है। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोप ना सिर्फ रूस पर पाबंदियां आयद की, बल्कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को रुकनियत हासिल करने के लिए उम्मीदवार का स्टेटस भी दिया, जिस पर रूस ने गैस पाइपलाइन नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 बंद करने की धमकी भी दी। इसके बाद ये सवाल सर उठा रहा है कि क्या यूरोप रूस की गैस के बगैर गुजारा कर सकता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक रूसी सदर पुतिन पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो तवानाई के इशू को जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यूरोप पर दबाव डालना चाहते हैं। वाज़ह रहे कि रूस पहले ही मौसम सरमा के दौरान यूरोप के लिए गैस की फराहमी कम कर चुका है, जबकि रूसी सदर का ये भी कहना है कि इसको 60% तक कम किया जा सकता है। माहरीन ने खबरदार किया है कि अगर वाकई ये कमी कर दी गई तो यूरोप को कारखाने चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बैनुल अक्वामी तवानाई एजेंसी का कहना है कि गैस कम होने का मतलब है कीमतों में इजाफा होना, जिससे यकीनन सदर पुतिन को फायदा होगा। हमले के बाद से रूस को गैस के जरिए हासिल होने वाली आमदनी सालाना 95 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। फेसबुक के तर्जुमान का कहना है कि तालिबान अमेरिका की दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल हैं, इसलिए कवानीन के मुताबिक वो हमारी कंपनी की खिदमात इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस हवाले से मजीद जानते हैं। फेसबुक ने तालिबान हुकूमत के दो सरकारी मीडिया ग्रुप्स के अकाउंट्स बंद कर दिए। फेसबुक के तर्जुमान ने बयान में कहा कि तालिबान अमेरिका की दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल है, इसलिए कवानीन के मुताबिक वो हमारी कंपनी की खिदमात इस्तेमाल नहीं कर सकते। तालिबान के अकाउंट्स पर पाबंदी कानून की पासदारी के लिए लगाई गई है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम मीडिया के फेसबुक अकाउंट्स पर पाबंदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अफगान मीडिया के फेसबुक पेज बंद कर के अमरीकी कंपनी ने अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया। आज़ादी इजहार का नारा दूसरी अकवाम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।